नमस्कार, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टीम यूपीएससी आईएएस एग्जाम यानी कि तपस्वी आईएएस में मैं पराग सोनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए एनालिसिस ऑफ सीरिया वॉर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा हमारे इस वीडियो लेक्चर कोर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 13 मई से हमारा वीडियो लेक्चर कोर्स जो है वो शुरू हो रहा है। इस वीडियो लेक्चर कोर्स में आपको यहाँ पर दिखाए गए 8 सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप 13 मई से पहले इस वीडियो लेक्चर कोर्स में रजिस्टर होते हैं तो आपको एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट दिया जाएगा। ये जो सारे वीडियो लेक्चर्स है वो आपको सिर्फ 4,999 में मिलेंगे। इसके लिए सिर्फ आपको यहाँ पर दिखाए गए मेल एड्रेस पर जाकर आपको अपनी डिटेल्स जो है हमें सेंड करनी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज का टॉपिक के ऊपर जो है डीएनए एनालिसिस ऑफ सीरिया वॉर। ये यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार की बात आपको बताने वाले हैं जो साधारण रेगुलर न्यूज़ में आपको पेश नहीं की जाती, वो यहाँ पर नहीं दिखाई जाती, और वो क्यों नहीं दिखाई जाती वो भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन ज़्यादातर हम बात जो करेंगे वो एग्ज़ाम के क्वेश्चन में करेंगे, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। दोस्तों एक बात आप भी मानेंगे कि कोई भी इंसान जो है वो लड़ाई नहीं करना चाहता, अगर वो लड़ाई करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। यही बात जो है वो नेशंस पर भी लागू होती है। कोई भी नेशन जो है वो दूसरे नेशन के साथ लड़ाई नहीं करना चाहता, अगर वो लड़ाई होती है तो कुछ कारणों से होती है, कुछ आर्थिक रीजंस होते हैं, खासकर पैसे को लेकर लड़ाई चलती रहती है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार के रीजंस है। दोस्तों यहाँ पर सीरिया में लड़ाई होने का मुख्य कारण जो है वो है पेट्रोल पाइपलाइन प्रोजेक्ट की लाइनें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक पाइपलाइन जो है वो सऊदी अरब बिछाना चाहता है जो कि सीरिया से होते हुए निकलती है, और इन पाइपलाइन के साथ वो यूरोप में गैस और ऑयल सेल करना चाहता है। वहीं दूसरी पाइपलाइन जो है वो ईरान, इराक और सीरिया डालना चाहते हैं, और उससे वो गैस एंड ऑयल जो है वो बेचना चाहते हैं। अब देखें तो दोनों ही पाइपलाइंस जो है वो सीरिया में क्रॉस हो रही है, और सीरिया जो है उनका सेंटर बना हुआ है। यहाँ पर सीरिया का सीधा कंसर्न जो है वो यूरोप से है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पाइपलाइन जो है वो बिना सीरिया को क्रॉस किए गैस और ऑयल जो है वो यूरोप में नहीं सेल कर सकते, नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए ये सारे मुद्दे का सेंटर जो है वो ये सीरिया बना हुआ है। दोस्तों अब अगर दोनों ही प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एक पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट था वो कुछ इस प्रकार था कि वो कतार से शुरू होते हुए सऊदी अरेबिया और यूएई से होते हुए सीरिया पहुंचती है, और दूसरा जो पाइपलाइन का प्रोजेक्ट था वो कुछ इस प्रकार था कि जिसमें पाइपलाइंस जो है वो इराक से शुरू होकर ईरान से निकल के सीरिया पहुंचती है। 2011 में एक एमओयू साइन किया गया था जिसमें ईरान, इराक एंड सीरिया के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें 5000 किलोमीटर की पाइपलाइन डालने का प्रोजेक्ट हुआ था, और इसका नाम रखा गया था इस्लामिक गैस पाइपलाइन। अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा होता है तो ईरान और इराक शायद सीरिया भी जो गैस है वो लेकर यूरोप में और मेडिटेरेनियन में सेल कर सकता है और काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकता है। दोस्तों अब प्रॉब्लम जो है वो यहीं से शुरू हुआ होता है कि भाई अगर दोनों ही पाइपलाइंस जो है वो लगती है तो दोनों ही प्रोजेक्ट्स जो है वो 50-50% ही अर्न कर पाएंगे, दोनों ही प्रोजेक्ट्स का 50% मिलेंगे। इनके साथ साथ यहाँ पर कंपटीशन का माहौल भी बना रहता, लेकिन अगर यहाँ पर किसी एक ही प्रोजेक्ट की पाइपलाइन लगती है तो अर्निंग जो है वो 100% हो जाती है। अब मुश्किल यहीं से शुरू होती है कि जो सीरिया का जो तानाशाह है, वहाँ का जो डिक्टेटर है असद, वो रशिया के पक्ष में है, वो रशिया को सपोर्ट करता है। मतलब कि जो ईरान, इराक, सीरिया का जो पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट है वो उसे सपोर्ट करता है। अब अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो अगर आगे बढ़ता है तो अमेरिका, यूके, फ्रांस एंड सऊदी अरेबिया को काफ़ी भारी भरकम नुकसान होता है, और इसके सामने रशिया और ईरान को काफ़ी फायदा मिलेगा, जो कि जाहिर सी बात है, और ये दोनों ही अमेरिका और सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट में रहते हैं। ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू ना होने पाए इसीलिए आईएसआईएस को खड़ा किया गया, उसे क्रिएट किया गया, और ये काम जो है वो अमेरिका एंड सऊदी अरेबिया ने किया था। आईएसआईएस को इसीलिए खड़ा गया
खड़ा किया गया ताकि ईरान में और इराक में काफ़ी अशांति का माहौल पैदा हो, काफ़ी अशांति का माहौल पैदा कर सके और साथ ही साथ एक प्रकार का डिस्टर्बेंस खड़ा हो पाए ताकि ये जो प्रोजेक्ट है वो आगे ना बढ़ने पाए। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कोशिश की गई कि वहाँ की सरकार को बदल दिया जाए ताकि प्रोजेक्ट जो है उसमें किसी भी प्रकार की प्रोग्रेस ना होने पाए। यहाँ पर अमेरिका ने ही आईएसआईएस को हथियार प्रोवाइड किए, सऊदी अरेबिया ने शाही को खिलाफ भड़काया, इसराइल ने भी उसे नफरत करने की एक पूरी ट्रेनिंग दी। इसके अलावा कतार एंड सऊदी अरेबिया ने फाइनेंशियली काफ़ी उसे सपोर्ट किया। कई बार कुछ खबरें जो है मीडिया में भी आई थी कि कई बार मीडिया ने उसे बाहर लाने की कोशिश की लेकिन उसे बाहर नहीं आने दिया गया, उसे वहीं पर दबा दिया गया। दोस्तों यहाँ पर सिया लिखा हुआ है, माफ़ कीजिएगा। एक बार वॉशिंगटन नामक पोस्ट में ये दिखाया गया था कि अमेरिका जो है वो आईएसआईएस के लिए हथियार जो है वो गिराए थे। अमेरिका ने एक बार आईएसआईएस के लिए हथियार गिराए थे लेकिन अमेरिका ने इस बात से मुकर गया और ये बयान दिया कि वो हथियार जो है वो गलती से गिर गए थे। ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि विकिलीक्स ने भी कई बार ये बात कह दी कि भाई हिलरी क्लिंटन ने भी आईएसआईएस को हथियार जो है वो सेल किए थे। साथ ही में उसने ये भी बताया कि सऊदी अरेबिया जो है उसे पूरा सपोर्ट कर रहा है और साथ ही में उसे ये भी फंडिंग भी कर रहा है और उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद विकिलिंक्स ने कई बार ये भी बताया कि क्लिंटन फाउंडेशन, सऊदी अरेबिया और कतार जो है वो आईएसआईएस को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, उसे फ्रीक्वेंटली फंडिंग भी कर रहा है। इन सभी हादसों का जो मकसद था वो एक ही था कि भाई सीरिया और इराक में अशांति खड़ी की जाए और ये जो पाइपलाइन वाला जो पूरा प्रोजेक्ट है वो पूरा ना होने पाए या फिर वहाँ की पूरी सरकार है वो बदल दी जाए और ऐसी सरकार को वहाँ पर बिठाया जाए जो अमेरिका और सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करती हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी ये लोग जो है वो बिजनेस कर रहे थे। अमेरिका जो है वो आईएसआईएस को हथियार बेच रहा था और पैसे कमा रहा था, साथ ही में रशिया जो है वो सीरिया को हथियार बेच रहा था और पैसे कमा रहा था। तो इस प्रकार ये दोनों ही देश जो है वो पैसे तो अर्न कर ही रहे थे। इसके साथ साथ आईएसआईएस जो है वो आगे बढ़ता गया और उसने इराक पर फतेह हासिल कर ली। तकरीबन 40% सीरिया पर कब्जा कर लिया था उसने, लेकिन पूरी बाजी तब पलट गई जब रशिया ने मिलिट्री इंटरवेंशन करवा दिया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। सोच तो सिर्फ ये थी कि रशिया जो है वो सिर्फ बैक सपोर्ट करेगा लेकिन रशिया जो है वो बीच में आ गया और उसने वहां पर बॉम्बार्डिंग भी की और एयर सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जिससे आईएसआईएस को पीछे खुड़ेदने में वो लोग कामयाब हो गए। अब यहाँ पर हुआ यूं कि भाई अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने जो प्लानिंग की थी वो यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाई। अब बात करें कि भाई करंट सिनारियो के बारे में, तो करंट परिस्थिति कुछ इस प्रकार है कि भाई 30% सीरिया पर अमेरिका का इनडायरेक्ट कंट्रोल है। वहाँ पर 30% एरिया में असद के विद्रोही कुर्द का कब्जा है और अमेरिका का वो सपोर्ट करता है। यहाँ पर अमेरिका के लिए गुड न्यूज ये है कि जो 30% एरिया है जिसका इनडायरेक्ट कंट्रोल उन्हीं के पास है, वहां से तकरीबन 60% गैस, ऑयल और वाटर की जो सप्लाई है वो वहीं से आती है। अब अमेरिका, यूके, फ्रांस एंड सऊदी अरेबिया जो है वो सिर्फ यही चाहते हैं कि असद जो है वो वहां से हट जाए ताकि उनका जो पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो पाए और वो 100% अर्निंग कर सके। साथ ही साथ रशिया भी यही चाहता है और रशिया और ईरान भी यही चाहता है कि भाई असद जो है वो वहां पर रहे और उनका प्रोजेक्ट जो है वो काम पे लग जाए और वे लोग भी 100% कमाई कर सके। अब बात करें तो यहाँ पर हो ये रहा है कि भाई एक तरफ तो काफ़ी सारी अशांति चल रही है और काफ़ी सारे लोग जो है, बेगुनाह लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। नकली केमिकल डालने की आड़ में अमेरिका जो है वहाँ पर बॉम्बार्डिंग करना चाहता है और इससे
इसी चक्कर में जो बेकसूर लोग हैं, जिनका कुछ कसूर नहीं है, वो लोग मारे जा रहे हैं। दूसरा नुकसान ये हो रहा है कि जो ऑयल की सप्लाई जो है वो अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है और ऑयल के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये अच्छी तरीके से देखा जा सकता है कि पेट्रोल की जो प्राइस है वो लगातार बढ़ती ही रही है और इनका फायदा जो है वो सीधा रशिया, सऊदी अरेबिया और अमेरिका को मिलता रहा है, क्योंकि वे लोग ही है जो ये तेल बेचते हैं, तो उनका सीधा सीधा फायदा उनको मिल रहा है। अगर यही सिचुएशन थोड़े लंबे टाइम तक चलती रही तो शायद अमेरिका है वो सीरिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। अगर वहां से वो असद को नहीं हटा पाते तो शायद ये अमेरिका जो है वो ये कदम उठा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर हम ओवरव्यू करें इस पूरे मुद्दे पर तो पता चलता है कि इस पूरे फसाद की जो जड़ है वो है पैसा। और बात करें आतंकवादियों की, तो जिस तरह से एक सिक्के की दो साइड्स होती है, उसी तरह से कोई ना कोई देश जो है वो उसका यूज करता रहा है। कुछ देश जो है, कुछ जगह जो है, वहां पर आतंकवाद को विरोध किया जाता है, कुछ देश जो है, कुछ जगह है, वहां पर आतंकवादियों को बढ़ावा भी दिया जाता है, उसका समर्थन भी किया जाता है। तो आखिर में यही पता चलता है कि इन सभी चीजों के पीछे जो मूल कारण है वो है पैसा, और इसी के लिए ये सारी चीजें हो रही है। इनके साथ ही अब मैं अपनी बात यहाँ पर पूरी करना चाहूंगा। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा उसे लाइक करना ना भूले और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अंत में सिर्फ इतना ही कि आप हमारी इस वेबसाइट को, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आप हमारे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार पाते रहे। थैंक यू। जय हिंद।